हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 1374 भर्ती, 936 हेड ऑपरेटर की पोस्ट और 120 कर्मशाला कर्मचारी की भर्ती, यानी ओवरऑल मिला के मैं बात करूं तो 2430 पोस्ट, यानी रेडियो विभाग में साल 2022 में आई हुई भर्ती। एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, अब आपको इंतजार है परीक्षा के रिजल्ट का और अपने फिजिकल की डेट का, कि सरकार और भर्ती बोर्ड दोनों ही हमें हमारे फिजिकल की डेट के बारे में बताएं, कट ऑफ लेकर आएं, जिससे कि पता चले कि हमारा आएगा हमारा नहीं आएगा, कौन लोग इसमें दौड़ की तैयारी करें। तो ये बड़ा माइंड में सस्पेंस बना हुआ है, हमारा स्कोर इतना है फिर भी हम दौड़ की तैयारी करें कि ना करें, हमारा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कहीं पेपर तो लीक नहीं हुआ है ये भी, जैसे और पेपर लीक हुए हैं, RO ARO का पेपर लीक हुआ है, UPSI 2021 का पेपर लीक हुआ, कॉन्स्टेबल का पेपर लीक हुआ, कहीं हमारा भी पेपर लीक तो नहीं हो गया ये, है ना, हेड ऑपरेटर वाला, कहीं ऐसा ना हो इसमें भी बड़े स्कैमर देखने को मिले, है ना। तो ये में भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी भी बनती है, जब और एग्जाम लीक हुए हैं तो ये भी छानी, मतलब ये भी छानी नहीं होगा, यानी ये भी खाली नहीं होगा शायद, जहां तक लगता है हमारे पास कुछ साक्ष्य नहीं है, लेकिन जो और तथ्य हैं उस पर विचार करके ये आकलन भी लगाया जा सकता है और ये लगाया भी है लोगों ने। देखिए, अब मैं आपको इसकी डेट के बारे में बात हम पहले ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अप्रैल में इसके जो फिजिकल की डेट है वो आ सकती है, रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए, अप्रैल में इसके रिजल्ट के आने की संभावना में भी बन सकती है ना, बिल्कुल, क्योंकि इस पर आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से पुरानी भर्ती है, चली जा रही है। अब भर्ती बोर्ड और सरकार इसे लेट कर रही है ना, तो वो अपनी, है ना, अपनी वजह से लेट कर रहे हैं। ये भर्ती सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रुकेगी नहीं, इस पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अब इसे लेट कोई करेगा तो वो उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही लेट करेगा। लेकिन अप्रैल में इसके फिजिकल की जो डेट है उसकी आने की संभावना थोड़ी सी कम बनती दिखाई दे रही है, इसलिए ये डेट जो है वो मई तक भी पहुंच सकती है, पूरी पूरी ये संभावना बनेगी। लगभग आपका जो स्कोर है वो 300 के आसपास है, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो या फिर मेल हो, सभी, अगर आपका स्कोर 300 से ऊपर है तो भाई अपने फिजिकल की आप लोग तैयारी शुरू कर दें, 300 से थोड़ा बहुत डाउन भी है तो भी आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी इसमें शुरू कर सकते हैं। तो मैंने आपको लगभग 2 से 3 मिनट में ये पूरी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी है। अभी हाल फिलहाल में सरकार की कोई मंशा इस भर्ती पर काम करने की नहीं है, क्योंकि सरकार एग्जाम ही थोड़ा स्पीड से कराती है और इसका तो एग्जाम भी लगभग लगभग 1.5-2 साल में कराया है, ठीक ना, उसके बाद में तो मामला फिर थोड़ा सा इनका और भी ज्यादा डाउन हो जाता है। तो अभी लगभग आपको और थोड़ा सा इंतजार इसमें करना पड़ सकता है, और वो इंतजार जो है शायद चुनाव के बाद का कहीं ना हो, ना, ये चुनाव के बाद में भी हो सकता है, मे बी ये इस भर्ती को लेके जाएं, ठीक है, ये भी संभावना पूरी पूरी इनकी बनती है। तो 2 से 3 मिनट में आपका जो डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो गया है। अप्रैल में इसके फिजिकल की जो संभावना है वो बहुत कम है, जून जुलाई इसमें मामला जो है वो हो सकता है। चलिए, जय हिंद।